अगर आपको भी सीखना है कुछ इस प्रकार का RDX जैसा फोटो एडिटिंग, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैंने खुद तैयार करा है। तो कुछ इस प्रकार का बिल्कुल फुल HD फोटो एडिटिंग यही फोटो आपको सिखाऊंगा, जो थंबनेल पे वही सिखाऊंगा। RDX भाई का वीडियो देखना, कभी भी फेक थंबनेल लगाता है और वीडियो के अंदर पूरा एंड तक वॉच करोगे तो उसमें पूरा एडिटिंग नहीं दिखाता है। यहाँ सबसे नॉर्मल फोटो हम लेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ से क्लिक करके इसको लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। इसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एक प्रीसेट दे दूंगा जो कि ये वाला होगा प्रीमियम प्रीसेट फेस के लिए, तो इस वाले को आपको सिलेक्ट करना है। ऊपर आपको 3 डॉट पे क्लिक कर देना है और इसको आप क्या करना है, यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेना है। कॉपी सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है। अब आपने जो फोटो ऐड करी उस पर आना है और ऊपर से 3 डॉट पे क्लिक करके इसको आपको पेस्ट सेटिंग कर देना है। तो ये हमने पेस्ट सेटिंग कर दिया, अब आपको फोटो कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर शेयर वाला ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर देना। अभी फेस हमारा स्मूथ नहीं है, बिल्कुल HD फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा जैसा RDX एडिटर जैसा करता है। तो वीडियो पूरा एंड तक बात जरूर करना है और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर करना है, पर सब्सक्राइब जब करना है जब पूरा वीडियो आप देख लो, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना है। इसको आपको ऑटो स्केच बुक में शेयर कर देना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऑटो स्केच बुक एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। जितनी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगा और टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो अब आपको ऊपर पेंसिल वाला आइकन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो आपको यहाँ पर एक फेस स्मूथ का ये वाला जो ब्रश होता है वो वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना। मैं आपको एक दूसरा ब्रश बताता हूँ जो कि एक RDX भाई यूज करते हैं जिससे आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये वाला ब्रश आप देख सकते हो स्क्रीन पे और इसके साइज को आप देख सकते हो और फ्लो का स्ट्रेच को आप देख लो मैंने कितना परसेंट रखा है, तो इतना परसेंट आपको भी रख देना है। तो ये मैंने इतना परसेंट रख दिया है और इसके बाद आपको नीचे क्रॉस का आइकन मिलेगा, उस क्रॉस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है जिससे आपका ये हट जाएगा। अब आपको क्या करना, अपने फेस पे बहुत भाई आपको ऐसे करके ब्रश बताते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार ब्रश को नहीं चलाना है। आपको मैं बताता हूँ दूसरा ट्रिक क्या होता है फेस पे आपको ब्रश चलाने के लिए, जिससे सबसे आसान तरीका है। तो आपको एक नीचे देख सकते हो पेंसिल के बगल में एक बॉक्स का आइकन है, उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक ड्रॉ स्टाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको बीच वाला जो गोला या सर्कल इसको आपको सिलेक्ट कर देना है और सिलेक्ट करने के बाद अब आपको अपने फेस पे इस सर्कल को ऐसे मार्क करना है। तो आप जैसे मार्क करोगे आपका फेस देख सकते हो ऑटोमेटिक बिल्कुल स्मूथ होने लग जाएगा, जिससे आपको ब्रश चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके फेस पे जो ये आप इधर उधर टेढ़ा कर देते हो ब्रश गलत तरीके से तो वो आपका इसमें नहीं होएगा, इसमें बिल्कुल डायरेक्ट अच्छे तरीके से आपका फेस स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार भी अगर आप करना चाहते हो तो कुछ इस प्रकार कर सकते हो। मेरे को नॉर्मल तरीके से आ जाता है तो मैं नॉर्मल तरीके से ही कर लेता हूँ। तो ये आपको बताना था मेरे को ट्रिक, जो कि मैंने थंबनेल पे भी बताया था खुफिया ट्रिक नाम से, तो वो ये ट्रिक होती है जिससे आप फेस स्मूथ कर सकते हो। तो अब मैं अपने हाथ को उससे ही कर लेता हूँ फिंगर से, क्योंकि मेरे को इससे ही आसान पड़ रहा है, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ। और जब तक आप वीडियो को पूरा देख लेना एक बार, और एप्लीकेशन सारी टेलीग्राम पे है और प्रीसेट जो यूज़ करूँगा मैं फेस स्मूथ के वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप जा सकते हो। इसके बाद ये फेस स्मूथ हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लिया, आप देख सकते हो। अब आपको ऊपर लेयर वाले आइकन पर क्लिक करके इस पर आपको क्लिक करना है और अब आपको प्लस आइकन पर क्लिक करके एक लेयर तैयार कर लेनी है। इसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है और ब्लेंडिंग ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से आपको सॉफ्ट लाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ब्रश वाले ऑप्शन पर जाना है यहाँ से और आपको एक ब्रश सेलेक्ट कर लेनी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो सी ब्रश होगी वो होगी मीडियम ब्रश, तो इस वाली भी ब्रश को आपको सेलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद आपको यहाँ से क्रॉस वाले आइकन पर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ से कलर डायरेक्ट आपको कलर पर क्लिक करके वाइट कलर आपको ऐड कर देना है और अब आपको अपने फेस पर ब्रश को चला देना है, जिससे आपका फेस अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एरो की मदद से बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ, तो इससे आप वीडियो स्किप मत करना, वीडियो पूरा देख लेना, जैसा थंबनेल पे बताया वैसे ही आपको सिखाऊंगा। तो ये हमने फेस को वाइट कर दिया, मैंने वीडियो थोड़ा फास्ट कर दिया जिससे जल्दी हो जाए, ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। फेस को मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया, देख सकते हो पूरे में ब्रश चलाने के बाद। अब आपको यहाँ से लेयर वाले आइकन पर अगेन क्लिक कर देना है और अब आपको प्लस आइकन पर दोबारा से क्लिक करना है
और अब आपको लेयर पे दोबारा क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे चले जाना है यहाँ से, और यहाँ पर आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा। तो मैं आप देख सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आपको नीचे की तरफ चले जाना है, नीचे की तरफ आपको सैचुरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो सैचुरेशन को सिलेक्ट कर देना आपको, और कलर वाले ऑप्शन पे जाके आपको जोन सा भी लिप्स का कलर रखना है वो रख लेना। आरडीएक्स रखता है कुछ पिंक कलर में, पर मैं यहाँ पर रेड कलर में रखूँगा, कुछ ऑरेंज में। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर कलर जोन सा सिलेक्ट करा, वो वाला आपको ब्रश को यहाँ पर चला देना है। ब्रश आपकी मीडियम ब्रश ही होगी, तो कुछ इस प्रकार लिप्स पर आपको ब्रश को चला देना है। ये आपके लिप्स भी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएंगे, देख सकते हो। अब इतना यहाँ पर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, ऊपर आपको एक बिल्कुल फर्स्ट में ये थ्री लाइन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और अब इस फोटो को आपको शेयर करना है। तो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ मैं कहाँ शेयर कर रहा हूँ, स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो इस पर क्लिक कर देना है, टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, यहाँ से क्रॉप वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ से पहले मैं जो व्हाइट पार्ट आ रहा है इसको पहले क्रॉप कर दूंगा। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोई नहीं, क्रॉप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्वालिटी आपकी जितनी फोटो है वैसे की वैसी रहेगी, और HD करना भी बता दूंगा मैं। टूल्स वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है, अब यहाँ सिलेक्टिव वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है, और जहाँ पे भी आपका फेस पे डार्कपन है, देख सकते हो डार्क सर्कल, उस पर आपको इसको प्लस आइकन लगा के ब्राइटनेस को बढ़ा देना आपको, और सैचुरेशन को आपको माइनस कर लेना है। तो आपका फेस देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइट हो जाएगा। तो मैं इस प्लस आइकन को जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है वहाँ लगा के इसको ब्राइटनेस को जब तक इंक्रीज कर देता हूँ। और वीडियो को स्किप मत करिएगा पूरा, बिल्कुल जो थंबनेल पे सिखाया वही आपको सिखाऊंगा, इसलिए बता रहा हूँ वीडियो मत छोड़ना। और RDX भाई का वीडियो अभी जाके देखना, नहीं तो मैं और भी वीडियो बताऊंगा जिसमें RDX आपको फेक तरीके की वीडियो बताता है। तो इस वीडियो आपको पूरा देख लेना, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा देता हूँ। अब हमारा इतना यहाँ पर कंप्लीट होता है। टूल्स वाले ऑप्शन पर अगेन आपको जाना है, डिटेल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से चले जाना है, और स्ट्रक्चर को आपको 100% कर देना है, और शार्पनिंग आपको मिल जाएगा। तो शार्पनिंग देख सकते हैं स्क्रीन पर, कुछ इतना परसेंट आपको रख देना है, और इसको यहाँ से कर देना आपको राइट पे क्लिक। अब आपको ऊपर एडिट टैग का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, व्यू एडिट्स पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आपको डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे एक आइकन मिलेगा, उस पर आपको टिक कर देना, ब्लू टिक हो जाएगा। इसके बाद अपने फेस पे से आपको जितना भी फिल्टर आया टेक्सचर का उसको आपको इरेज कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पर अच्छे तरीके से इरेज कर दूंगा जितना भी हमारे फेस पे ये टेक्सचर आया है। अगर आपको ये डार्क आ रहा है आपका फेस पे, तो आप प्लस आइकन को लगा के वाइट कर लेना। मैं वीडियो पूरा ज़्यादा लंबी ना बने इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा यहीं पर, आप देख लेना प्लस आइकन लगा के हो जाएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ब्राइटनेस को बढ़ा देना और सैचुरेशन को माइनस कर देना। ये हमने इतना कंप्लीट कर दिया, इसके बाद आपको बैक वाले एरो पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हो फोटो पहले से बिफोर एंड आफ्टर क्वालिटी कितनी बढ़िया हो गई है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अब आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो। तो लाइटरूम एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे फोटो को, और अब आपको लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। अब आपको एक दूसरा प्रीसेट दूंगा जो कि ये डार्क वाला होगा, आप देख सकते हो जिसमें डार्क फेस रहेगा, ध्यान रखना है। ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी सेटिंग आपको क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे, राइट पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो फोटो अभी शेयर करी थी उस पर आना आपको, और थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको पेज सेटिंग कर देना है। तो ये हमने फेस सेटिंग कर दिया। अब आपके फेस में साइड में डार्क आ जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो इसको हम इतना यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब आपको शेयर वाले ऑप्शन पे यहाँ से दोबारा क्लिक करना है, और अब आपको इसको दूसरी एप्लीकेशन में शेयर कर देना है जो कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन होगी। सब एप्लीकेशन टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड जरूर कर लेना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो स्क्रीन पे देख लो, एड फोटो में जाना आपको। अब आपको दो PNG दूंगा लाइट की, जो कि थंबनेल पे देख रखा होगा लाइटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो ये रेड PNG लेंगे, कॉर्नर में लगाएंगे यहाँ पर,
और ब्लेंड ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रीन में कर देना आपको। तो देख सकते हो स्क्रीन पे लग गया ये, कुछ इस प्रकार का इफेक्ट अपने हेयर पे भी ला सकते हो इसे। इसके बाद दोबारा ऐड फोटो में जाना है, ब्लू कलर का इफेक्ट ऐड करना आपको और इसको भी ब्लेंड ऑप्शन से स्क्रीन कर देंगे और साइज को बड़ा करके इधर इसको कॉर्नर पे लगा देना आपको। इतना हो गया, इसको आपको कर देना डन। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, अभी फोटो में क्वालिटी नहीं आई है तो उसके लिए टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। और बहुत भाई बोल रहे थे अगर लिप्स को हमको चेंज करना अभी तो यहाँ से यू वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको पिंक कलर में आपको कर देना है। तो यू को मैं पिंक कलर में रख दूंगा। ऊपर से आपको इरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ से इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है और अब आपको अपने लिप्स पे ब्रश को चला देना है। अगर आपने वहाँ से रेड कर दिया हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, दोबारा से हो जाएगा। ये हमने पिंक में कर दिया और इसको यहाँ से कर देना आपको डन। बिफोर एंड आफ्टर आप देख सकते हो, वीडियो में बस थोड़ा सा और देखना है। अब आपको बिल्कुल HD करना, फोटो बता दूंगा कैसे होता है। तो देख सकते हो स्क्रीन पे सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है, 3 डॉट पे आपको क्लिक कर देना है, फोटो करना है यहाँ से सेव, मोर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है और अब आपको फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन में शेयर कर देना है। तो एडिट LR लिखा रहा है, इसी पे क्लिक कर देना है क्योंकि फोटो डायरेक्ट आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको एडिट पे जाना है, यहाँ से इफेक्ट पे आपको चले जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, मेन टूल ये होते हैं जिससे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी होती है। तो टेक्सचर को 100% कर देंगे और यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, क्लैरिटी को अपने हिसाब से देख लेना है। तो स्क्रीन पर देख सकते हो जैसे ही आप बढ़ाओगे आपकी फ़ोटो की क्वालिटी HD हो जाएगी। तो इसको मैं इतना परसेंट रख लेता हूँ, 20-30% के करीब, देख लेना जितना आपको रखना है। इतना मैंने यहाँ पर रख दिया। उसके बाद नीचे आपको डीज का मिल जाएगा, डीज को आपको जैसे ही इंक्रीज करोगे थोड़ा डार्क इफेक्ट आएगा और इसको थोड़ा माइनस में ले जाओगे थोड़ा वाइट इफेक्ट आएगा। तो हम थोड़ा इसको प्लस में रखेंगे और अब आप देख सकते हो आपको फोटो HD इफेक्ट में हो गया पर फेस हमारा डार्क हो गया। तो इसको भी हम वाइट कर देंगे नॉर्मल बिल्कुल। क्या करना है, शेयर वाले ऑप्शन पर जाना है हम और यहाँ से आपको फोटो को शेयर कर देना है। तो यहाँ से फोटो को स्नैपशीट एप्लीकेशन में शेयर कर देना आपको। अब आपको टूल्स वाले ऑप्शन पे चले जाना है, यहाँ से नीचे लास्ट में मिलेगा आपको डबल एक्सप्लोर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है और जो आपने अभी फोटो तैयार करी पहले ही उसी फोटो को आपको यहाँ पर नॉर्मल वाली को ऐड कर देना है जिसमें फेस स्मूथ था आपका, उसी को ऐड करना है और इस पर आपको ब्लर वाले आइकॉन पर क्लिक करके उसको 100% ओपेसिटी करके राइट पर क्लिक कर देना है। अब आपको एडिट स्टेप पर चले जाना है, व्यू एडिट पर चले जाना है और यहाँ से आपको डबल एक्सप्लोर पे क्लिक करके ब्रश पे क्लिक कर देना है। अब आपकी HD फोटो आ जाएगी कुछ इस प्रकार। अब आपको क्या करना है, नीचे आपके जो एरो है इसको आपको 100% कर देना ऊपर की तरफ और अब आपको अपने फेस पे अच्छे तरीके से ब्रश को चला देना है। तो देख सकते हो आपका फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से वाइट हो जाएगा, जितना भी इफेक्ट ये डार्क वाला है ये सब आपका हट जाएगा, आपको अपने फेस से हटाना है और कहीं से नहीं। इतना होने के बाद आपको यहाँ से राइट पे क्लिक कर देना है और अगेन आपको यहाँ से बैक वाले एरो पे क्लिक कर देना है और बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से एक बार सिलेक्टिव वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है और जो ये आपका डार्क सर्कल आ रहा है इसको क्या करना है, प्लस आइकॉन आपको लगा देना है और ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार इंक्रीज करना है। यहाँ पर देख सकते हो हट जाएगा आपका डार्क सर्कल, हट गया और सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है। तो कुछ इस प्रकार आपको अपने जहाँ पे भी डार्क सर्कल आए तो प्लस आइकॉन को लगा के आप कर सकते हो और यहाँ से मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, देख सकते हो। और इतना होने के बाद आपको यहाँ से डन कर देना है। सारी एप्लीकेशन टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लेना। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और मैंने कोई भी फेक वीडियो नहीं बताया तो एक बार इस वीडियो पूरा अच्छे तरीके से देखना, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। डिस्क्रिप्शन में सारी PNG है और एप्लीकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर देना।